नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, कई जगह पर जो है सावन का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, ये कहने की कोई बात नहीं है कि सावन का महीना जो है वो शिवजी और माँ पार्वती की महीना होता है। इस दौरान जो है यानी कि पूरे सावन महीने में ये जो है, वैसे तो बहुत सारे प्रदेश अलग अलग समय पर सावन का महीना मनाता है, यानी कि कुछ समय जो है जैसे कि बहुत सारी जगह पर यानी कि पूर्व की तरफ जो है, पूर्व भारत की तरफ जो है ये सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो पश्चिम की तरफ जो है अभी थोड़ा देर है, जैसे गुजरात प्रदेश में अभी थोड़ी देर में जो है सावन का महीना शुरू होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से सावन का महीना हर जगह पर अपने कैलेंडर के अनुसार चलता है, अपने जो है वहाँ के नियम के अनुसार होता है उस प्रदेश के। पर इस महीने में जो मूल कार्य होता है वो है कि शिवजी और माता पार्वती की पूजा। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आप शिवजी की पूजा कर सकते हैं। वैसे माँ पार्वती की पूजा शिवजी के साथ करना बहुत ज़रूरी है और साथ में बहुत सारे लोग सावन के महीने में जो है मंगला गौरी की पूजन और व्रत भी करते हैं। दोस्तों देखिए, पूजन और व्रत में दो अंतर होता है। व्रत जो होता है कुछ साल कुछ महीने का संकल्प लेना पड़ता है, पर पूजा जो है वो आप ऐसे ही कर सकते हैं, यानी कि उसका कोई संकल्प नहीं होता है अलग से। दोस्तों, अगर आप उसमें कुछ मन्नत वगैरह मांगते हैं तभी उसमें संकल्प लेने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं किस तरह से जो है आप शिवजी की पूजा कर सकते हैं सावन के महीने में। दोस्तों, सावन के महीने में वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस शिवजी की पूजा, जो लोग बाहर रहते हैं खासकर, वो शिवजी की पूजा करते समय ये सोचते हैं कि कहाँ से हम दूध दही इन सारी चीज़ों का, यानी कि जो सारे पंचामृत हैं उन सारी चीज़ों का जो है हम इंतज़ाम करेंगे। पर दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कोई घबराने की कोई विषय नहीं है दोस्तों। अगर आप इतने सारी चीज़ों का इंतज़ाम ना भी कर पा रहे हैं दोस्तों, तो भगवान शिव को आप जो है सिर्फ चंदन के पानी से भी नहला सकते हैं। हाँ दोस्तों, चंदन के पानी से भी आप उन्हें नहला सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों के पास आजकल चंदन जो घिसना जो है उसका भी समय नहीं होता है, तो आप चंदन का पाउडर जो है वो भी पानी में एक अच्छी तरीके से घुलकर जो है उससे शिव जी को स्नान करा सकते हैं और उसके बाद एक बार फिर जो है ये साफ पानी से जो है फिर से एक बार नहा दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद जो आपको करना है दोस्तों कि बिल्व पत्र, यानी कि बिल्व पत्र में जो है बेल के पत्ते जो है दोस्तों, उसमें जो है चंदन लगाकर उस बेल के पत्ते को भगवान के सिर पर चढ़ाना होता है। हाँ दोस्तों, शिव जी के सिर पर उसे चढ़ाए। कहते हैं अगर आप कुछ और ना भी चढ़ाए दोस्तों तो कोई बात नहीं है, पर शिव जी को बिल्व पत्र जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये याद रखिए कि अगर आपके पास पंचामृत यानी कि दूध दही घी शहद शक्कर ये सब कुछ से आप पंचामृत नहीं बना पा रहे हैं, तो बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल कोई शंका अपने मन में ना रखे। चंदन के पानी से भगवान शिव को नहलाकर उन्हें बेलपत्र अवश्य चढ़ाए दोस्तों, और बेलपत्र में चंदन लगाकर ही चढ़ाए। वैसे तो धतूरे के फूल जो है वो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, और इस समय जो है धतूरे के फूल आपको बाजार में वैसे मिल जाएंगे, पर अगर आप धतूरे के फूल आपको नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो जो भी फूल आपको मिले यानी कि पीले और सफ़ेद जो भी फूल आपको बाजार में मिले, गेंदे का हो या फिर दूसरे जो भी सारे फूल हो, वो जो है आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि भगवान शिव को अभिषेक करते समय कभी भी जो है शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ताम्र पत्र में यानी कि तांबे के जो है एक कलश में या फिर कटोरी में जो है आप भगवान शिव को नहला सकते हैं दोस्तों, पर शंख का उपयोग करना शिव पूजन में सही नहीं होता है। पर हाँ, आप बजा सकते हैं ज़रूर शंख, पर शंख से जो है स्नान ना करवाए, यानी कि अभिषेक बिल्कुल ना करवाए दोस्तों। और दोस्तों जो है मैं धूप पूजन की बात हमेशा कहता हूँ, तो आप पूजा के समय यानी कि अभिषेक के समय ही जो है धुनची धूप जलाकर रख सकते हैं दोस्तों, या फिर अभिषेक के बाद जो है एक बार मंगल धूप करके भगवान शिव की अर्चना करें, उसके बाद जो है एक गंध पुष्प से जो है भगवान शिव की पूजा करें, अक्षत चढ़ाए भगवान शिव को, और उसके बाद फिर से एक बार धूप दीप निवेदन करें। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या इसमें दीप निवेदन करना ज़रूरी है
या नहीं। वैसे तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो धुनची धूप होता है वो हवन धूप होता है दोस्तों। तो हवन जो है धूपाग्नि होती है, और धूपाग्नि अगर आप जला रहे हैं तो अगर आप अलग से दीपक ना जलाकर केवल आरती के समय दीपक जलाते हैं तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों। पर बहुत सारे लोगों का मन में ये होता है कि वो घी के दीपक जो है सावन के इन सोमवार में ये जो है भगवान शिव के सामने जलाएंगे। तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल उसे जला सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक उसमें नहीं है दोस्तों। और अगर आपके पास घी उपलब्ध नहीं है दोस्तों, यानी कि उतनी मात्रा में घी आपको आपके पास उपलब्ध नहीं है कि आप जला पाए दिए, तो आप जो है तिल के तेल से या फिर सरसों के तेल से भी जो है दीपक जला सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों धुनची धूप में है जो है धूप में भी थोड़ा सा घी का उपयोग ज़रूर करें दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों वो आप जो है मंगल धूप करें, उसके बाद जो है ए पुष्पांजलि दे ए यानी कि गंध पुष्प अर्पण करें, उसके बाद जो है अक्षत चढ़ाए, उसके बाद जो है धूप दीप निवेदन करें, उसके बाद पुष्पांजलि दे, और उसके बाद अगर आप चाहे तो हवन धूप कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यानी कि ये धूप से हवन कर सकते हैं, धूप से घी से आप हवन ज़रूर करें दोस्तों अगर आप चाहे तो, या फिर अगर आप अलग तरीके से भी कोई आपके घर में हवन करने की प्रथा प्रचलित है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जो लोग हवन नहीं कर पाते हैं या फिर हवन के विधि या विषयों के बारे में नहीं जानते, वो धूप हवन के माध्यम से भी भगवान शिव और माता पार्वती की हवन कार्य कर सकते हैं दोस्तों। ये लघु रूप से हवन होता है दोस्तों। उसके बाद जो है हवन होने के बाद जो है उस अग्नि को जो है ये शांत करें, और उसके बाद जो है ये पुष्पांजलि देकर भगवान शिव जी और माता पार्वती की आरती ज़रूर करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये इसमें फल चढ़ाना और किसी भी प्रकार की कोई भोग वगैरह चढ़ाना ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों देखिए, भगवान शिव को वो श्रीफल सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए अगर आप कुछ चढ़ाना चाहते हैं भगवान शिव को तो आप जो है एक नारियल अवश्य ही चढ़ा सकते हैं बिल्व पत्र के सहित, और नारियल में पानी होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे नारियल क्या होता है दोस्तों, वैसे तो बाहर से देखने में बहुत सुंदर होता है पर उसके भीतर पानी नहीं होता है दोस्तों, ये सही नहीं होगा दोस्तों अगर आप इस तरह का फल जो है ये पूजा में चढ़ाते हैं। हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप जो है नारियल भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं ये दोस्तों, अगर आप भोग प्रसाद के तौर पर ये सब कुछ चढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप चाहे तो आप साबूदाना वगैरह ये सब कुछ है इसे भी आप चढ़ा सकते हैं, बतासा वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, मिश्री के शरबत भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वो भोग प्रसाद ये सब अपनी अपनी भावना के ऊपर निर्भर करता है, तो आप किस तरीके से और किस भावना के साथ जो है भगवान को भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे दोस्तों धूप और आरती पूजन में, यानी कि धूप पूजन और आरती में ये जो है अलग से भोग प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी अगर आप भोग प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं दोस्तों तो उसमें बिल्व पत्र ज़रूर दें। जैसे हम नारायण पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र का उपयोग करते हैं, गणेश पूजन करते हैं तो दुर्वा के उपयोग करते हैं, तो शिव पूजन में भी हर भोग के ऊपर, यानी कि आप अगर साबूदाना दे रहे हैं या फिर आप बतासा दे रहे हैं तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है बिल्व पत्र ज़रूर अर्पण करे दोस्तों, और उसके बाद ही भगवान को भोग लगाए दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो है ये दोस्तों वो आप पूजा करें दोस्तों। सुबह की अगर आप पूजा करते तो शाम को भी आप जो है सही तरीके से ये भगवान शिव की जो और माता पार्वती की जो है आरती ज़रूर करना चाहिए, और पूरे घर में जो है धूप करना चाहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये धूप अगर आप पूरे घर में करते हैं ना, वो एक सकारात्मक ऊर्जा होता है दोस्तों। आप सिर्फ सोमवार ही नहीं, अगर हो सके तो हर दिन, यानी कि सावन के इस हर दिन जो है आप जो है अगर धूप कर पाते हैं तो ये बहुत ही उपकारी भी होता है दोस्तों, और इसके साथ साथ ये बहुत ही ऊर्जा देता है, यानी कि कोई भी कार्य वगैरह करने के लिए ये आपको एक जो है सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप चाहे ये दोस्तों वो तो प्रतिदिन इस धूप को अपने घर पर कर सकते हैं, और प्रतिदिन ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं, और अभिषेक वगैरह केवल आप सोमवार के दिन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो इस तरीके से जो है आप सहज और सरल तरीके से जो है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा सावन के महीने में कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर इन सारे विषयों में आपका कोई सवाल है या फिर आप कोई अलग तरीके से जो है भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं इन सावन के महीने में, तो आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ साथ हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में अगले किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।